Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. इस लेसन में हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हिंदी से अमल जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस सेट मश्की सेट 4.2 उसे पढ़ना है. तो देखते हैं इस मश्की सेट में हम लोगों को क्या सीखना रहेगा. तो शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2. ये प्रैक्टिस सेट आपकी किताब के पेज नंबर 98 और एंड 99 इस पर है ना. आप किताबें जो है एक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वो वेबसाइट है ebalbharati.in. तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको सिखाया गया है कि हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट, मुमास किस तरह से दायरे पर बनाया जाए, है ना, दायरे का मुमास कैसे बनाया जाए, इसमें ये सिखाया गया. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है कि टेंजेंट किसे कहते हैं वो सीख लेते हैं. तो टेंजेंट जो होता है ना मुमास क्या होता है. टेंजेंट, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है. अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, है ना, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट उस पर जो है कता करती है या उसको टचेस. तो एक सीधी लकीर जो दायरे को एक ही नुक्ते पर टच करती है, एक नुक्ते पर कता करती है, उसको हम लोग मुमास बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊँ, लेट सपोज कर लो कि एक सर्कल है, ये उसका एक दायरा है, ये उसका सेंटर ओ है. अब ये एक लकीर, ये लकीर, ये जो दायरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दिस लाइन, लाइन एल, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट. जैसे यहाँ देख लो, ये लाइन एम, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट. क्यों? क्योंकि ये जो है दायरे को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट या काट रही है. इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं पी, यहाँ हम लोग दे देते हैं एम. इस पॉइंट को हम लोग कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोला जाता है. तो टेंजेंट और सर्कल इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट जो है कॉमन होता है, मुशरक होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और टेंजेंट के जो बाकी पॉइंट्स हैं सिवाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाहर होते हैं, दायरे के बाहर होते हैं, आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, अब एक जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट की वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट की कि टेंजेंट जो होता है इज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, निस्वकुत्रो पर टेंजेंट क्या होता है, उमूद होता है, परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल. जैसे यहाँ पर ये एक रेडियस मैं बनाता हूँ ओ एम, ये वाला रेडियस, इस रेडियस निस्वकुत्र, इस रेडियस के जो बैरूनी नुक्ता है आउटसाइड जो पॉइंट है एम, उस पर टेंजेंट बनाया गया, मुमास बनाया गया. तो ये मुमास निस्वकुत्र जो है रेडियस उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, उमूद होता है, टेंजेंट उमूद होता है निस्वकुत्रों पर. जैसे यहाँ पर ये जिस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और जो सेंटर है मान लेते हैं ओ, उसको मिलाओ तो आपको ओ पी रेडियस हासिल होगा, दिस इज रेडियस, दायरे का निस्वकुत्र. तो ये जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट एम, वो रेडियस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, उमूद होगा. इसी प्रॉपर्टी का यूज़, इसी खासियत का इस्तेमाल हम लोग जो है टेंजेंट बनाने के लिए करेंगे. ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, ये यहाँ पर कुछ मुमास इस तरह से, ये यहाँ पर जो है पॉइंट जो है एस पर जो है टेंजेंट जो ख़त है ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है एस, तो ये निस्वकुत्र, इसका सेंटर ओ, निस्वकुत्र आप लोग बनाओगे रेडियस ओ एस, इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उमूद होगा,
90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद एक चीज़ और याद रखो कि अगर दायरे के अंदर कोई नुक्ता होगा तो उससे कोई भी मुमास नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है और इसमें पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से जो कि इनसाइड द सर्कल है उससे कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। आप कोई भी ऐसी लकीर नहीं बना सकते जो दायरे को एक ही पॉइंट पे काटेगी या टच करेगी। कौन किस पॉइंट से, जो पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल है दायरे के अंदर, तो नो टेंजेंट। उसके बाद दूसरी सूरत हाल क्या है कि अगर कोई दायरे सर्कल है और उसके ऊपर जो है कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, अब ये पॉइंट पी कहाँ गया, ऑन दिस सर्कल, तो ऐसे पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट जो है बना सकते हैं, है ना। मान लेते हैं ये एल, तो एक टेंजेंट बनेगा कौन से पॉइंट से, उस पॉइंट से जो दायरे पर है, ऑन दिस सर्कल है दायरे पर वाके। अब तीसरी सूरत हाल क्या होगी कि अगर कोई ये सर्कल, इसका सेंटर ओ, अब एक पॉइंट जो है ना आउटसाइड द सर्कल है, मान लेते हैं ये पी जो दायरे के बाहर है, तो इससे कितने टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट। एक टेंजेंट जो है कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, एक टेंजेंट जो है कुछ इस तरह से बने। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर दायरे के बाहर कोई नुक्ता है तो उससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, दो टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग याद रखो, टेंजेंट की जो डेफिनेशन तारीफ, कि वो ऐसा खत होता है जो दायरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटता है या टच करता है। टेंजेंट जो होता है ना एक लैटिन वर्ड से लिया गया है ना, वो लैटिन वर्ड क्या है, टेंगियर, है ना, टेंगियर, और उसका मतलब जो होता है टू टच, है ना। लातिनी जो जबान का लफ्ज़ है टेंगियर, उससे जो है अंग्रेजी लफ्ज़ जो है टेंजेंट बना है, और टेंगियर का मतलब होता है टू टच। तो आप देखोगे टेंजेंट जो है दायरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे सिर्फ टच करता है, एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि टेंजेंट रेडियस पर उमूद होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। तो पहला सवाल देखिए, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, उर्दू वाले जो बच्चे होंगे वो सवाल जो है पेज 98 जो किताब है और 99 इस पेज जो है आप उस सवाल को देख सकते हो। तो कंस्ट्रक्ट बनाना, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाओ टू अ सर्कल, एक दायरे का मुमाज बनाओ विथ सेंटर पी, जो दायरे का मरकज़ है वो पी है, एंड रेडियस निस्फ कुतर 3.2 सेंटीमीटर है। निस्फ कुतर 3.2 सम है, और कहाँ सेंटर बनाना, कहाँ टेंजेंट बनाना है, एट एनी पॉइंट, किसी नुक्ते पर, और वो नुक्ता कहाँ है, एट एनी पॉइंट एम, और वो नुक्ता कहाँ है, एम ऑन इट, दायरे पर। तो दायरे पर वाके नुक्ता एम पर जो है आपको क्या बनाना है, मुमाज बनाना है, और दायरे का मरकज़ जो है हमें पी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हमें दो मेथड, दो तरीके सिखाए गए हैं टेंजेंट बनाने के। एक तरीका है कि दायरे के सेंटर का इस्तेमाल करके, है ना, सर्कल के मरकज़ का इस्तेमाल करके हमें जो है टेंजेंट बनाना है, और दूसरा ये है कि बग़ैर मरकज़ को इस्तेमाल किए हुए मुमास या टेंजेंट बनाना है। तो यहाँ पर चूँकि सेंटर दिया हुआ है तो हम लोग जो है दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके टेंजेंट बनाएंगे। वैसे आपको सवाल में दिया जाएगा कि दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके बनाओ और बग़ैर मरकज़ के इस्तेमाल करके जो है आपको दायरे का मुमास बनाना। तो सबसे पहला काम क्या करो कि जिस सम का आपको
दायरा दिया हुआ है उतने सम का आप सर्कल बना लो। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप एक पॉइंट जो है आपके कागज़ की जो मुस्तवी है प्लेन है उस पर लोगे। मैं वो पॉइंट जो है कहाँ लेता हूँ, ऑन द प्लेन ऑफ द ग्रीन बोर्ड। तो वो पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये एक पॉइंट 3.2 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये मेरा 3.2 सेंटीमीटर है ना। आपको स्केल में 3.2 सम लेना रहेगा। अगर मैं इतना बड़ा बनाऊंगा 3.2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर बहुत छोटा बनेगा। तो मान लेते हैं ये 3.2 सेंटीमीटर है इस तरह से, तो ये 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल, सॉरी ओके। तो इस नुक्ते का यूज़ करके हम लोगों ने दायरा बनाया, तो ये मरकज़ रहेगा, नाम हमें दिया हुआ है पी। अब उसके बाद क्या करो, कोई पॉइंट लो एम, कहाँ पर, दायरे पर। तो ये दायरे पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं भी ले हो आप, यहाँ मैं ले लिया एम। अब इस पर हमें टेंजेंट बनाना है, तो आप क्या करो, चूँकि हमें सेंटर का यूज़ करके बनाना है तो सेंटर और इस पॉइंट को मिलाओ और फिर थोड़ा उसे बढ़ा दो। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से मिलाता हूँ और इसे थोड़ा बढ़ा भी देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमें एक रे बनाना है, वो रे क्या बन गई, एक शोआ बनाना है पीएम, ठीक है, दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके बनाने। अब क्या करो, दूसरी स्टेप, कि जिस पॉइंट पे आपको ममास बनाना है उस पॉइंट पे कंपास का प्रकार का पॉइंटेड एंड रखना है, ठीक है, और कोई फासला लेना है, कोई भी जितना भी आप फासला लो जो दो एंड्स हैं प्रकार के उसमें, और एम के सीधी तरफ एक आर्क बनाओ और उल्टी तरफ एक आर्क बनाओ, ठीक है, जो कि इस शोआ को काटे, ये इस तरह से। अब क्या करो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हम लोगों ने आर्क या कॉस बनाई है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका हम लोग जो है उमूदी नासिफ बनाएंगे। क्यों उमूदी नासिफ, परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, चूँकि परपेंडिकुलर है यानी उमूद होगा वो, तो वो क्या होगा, टेंजेंट ही होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है ये रेडियस है, रेडियस पर क्या होता है, उमूदी होता है। तो आप देखो इसका उमूदी नासिफ कैसे बनाओगे, कि ये जो काटने से हमें दो पॉइंट हासिल हुआ है, किसी एक पॉइंट पे आप प्रकार रखो उसका पॉइंटेड एंड, मेटल जो पॉइंटेड एंड है, और इस डिस्टेंस का आधे से ज़्यादा फासला रखो, मोर देन हाफ, इस तरह से है ना, ये जो डिस्टेंस है मोर देन हाफ, और ऊपर और नीचे एक आर्क बनाओ, ठीक है। अब ये फासला जो है बरकरार रखो, अब किस पॉइंट, यहाँ पर रखो इस पॉइंट पर, और ऊपर और नीचे इस तरह से एक आर्क बनाओ, ठीक है, तो आपको दो पॉइंट हासिल हो जाएंगे। इन दो पॉइंट्स को आप मिला दो, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो लाइन हम लोगों ने बनाई है इसका नाम हम लोग दे देते हैं एल, ये क्या है, टेंजेंट है, है ना, और ये टेंजेंट जो है कैसी रहेगी, उमूद रहेगी, निस्फ कुत्रों पर परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोगों ने वही काम किया है कि ये जो सेगमेंट है उसका क्या बना दिया है, उमूदी नासिफ, उमूदी नासिफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर, जो कि इस पर उमूद होगा, और हमें पता है कि जो लकीर है जो कि रेडियस पर उमूद है वही क्या है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को बनाना रहेगा कि जो ख़त एल है ये क्या है, टेंजेंट है ऑन पॉइंट एम। तो वेरी सिंपल, जिस पॉइंट पे बनाना है उस पर प्रकार रखो, कोई फासला लो, दो आर्क बनाओ, फिर हमें इसे जो है बायसेक्ट करना है, इसका उमूदी नासिफ बनाना है। तो क्या करना है, एक प्रकार यहाँ रखो, आधे ज़्यादा फासला लो, ऊपर और नीचे आर्क बनाओ, फिर वही फासला बरकरार रख के इस पॉइंट पर रख के ऊपर और नीचे कॉस बनाओ और उनको मिला दो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको बनाना रहेगा। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का, तो यहाँ पर जो मतलूबा ममास है वो क्या है, खत एल, ठीक है।
तो हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी अब बनाएंगे हम लोग। दूसरा सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ बनाना ए टेंजेंट, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। तो दायरे पर ही कोई एक नुक्ता है, ऑन इट, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करो कि हमें ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस जो निस्प कुदर 2.7 सेंटीमीटर, यहाँ दायरे के मरकज का इस्तेमाल ही करना है बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कोई एक पॉइंट ले लो जो कि दायरे का सेंटर रहेगा, इससे जो है कितने रेडियस का 2.7, तो मान लेते हैं ये मेरा 2.7, तो यहाँ से जो है आप एक इस तरह से सर्कल बनाओ, ठीक है, दिस वन। तो इस सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं। अब क्या बोला है कि ड्रॉ ए टेंजेंट मुमाज बनाओ टू द सर्कल, सर्कल का एट एनी पॉइंट किसी भी नुक्ते पर, वो नुक्ता कहाँ है, ऑन इट दायरे पर। तो मान लेते हैं मैं कोई एक नुक्ता ले लेता हूँ यहाँ पर, ये नुक्ता हम लोग ले लेते हैं पी, तो इस पर टेंजेंट बनाना। तो वही दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके यहाँ बाय यूजिंग सेंटर, है ना, पहला सवाल भी यही था, सेंटर ऑफ द सर्कल, दायरे के मरकज का इस्तेमाल करके। तो बहुत सिंपल है, क्या करो दायरे का जो मरकज है और इस पॉइंट को मिलाओ और थोड़ा बढ़ा दो। तो ये मैं मिलाया और थोड़ा बढ़ा दिया जिससे मुझको एक रे हासिल हुई ओपी। अब क्या करो जिस पॉइंट पर बनाना है उस पॉइंट पर आप क्या रखो कंपास इस रे, और कोई फासला लो और जो है इस रे को काटो, दो आर को बनाओ, है ना, कोई भी फासला लो, लेकिन इसे बड़ा नहीं ले लेना है जो बाहर जाए। तो इस तरह से ये फासला लिया, ये काटा और ये यहाँ पे जो है इस तरह से दो आर्क, ठीक है। अब क्या करो ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम लोगों का उमूदी नासिफ बनाना है, और उमूदी नासिफ बनाओगे तो वही टेंजेंट रहेगा, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, खासियत है कि वो उमूद होता है रेडियस पर। तो हम लोग इसका अगर जो है परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना देंगे तो वही टेंजेंट हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाने का तरीका वही है, आप शुरू से सीखते आए हो। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों को बायसेक करना है, तो क्या करो किसी एक पॉइंट पे प्रकार रखो और मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, इसको जो है इस तरह से एक आर्क इधर एक कॉस इस तरह, फासला वही रखो दूसरे पॉइंट पे रखो और एक आर्क इस तरह से एक आर्क इस तरफ से, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट हासिल होंगे, इनको मिला दो, ये मैं मिला दिया, तो आप देखोगे कि ये लकीर एक ही पॉइंट पे टच करेगी पी पे। तो ये जो लकीर बनी है खत, इसका नाम दे देते हैं एल, ये क्या है टेंजेंट है, ठीक है। तो लाइन जो है एल इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है, बहुत सिंपल है। तो दो सवाल हम लोग लेते हैं, फिर अगले लेसन में दो सवाल, फिर अगले उसके नेक्स्ट लेसन में तीन सवाल लेकर इस मशहूर को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, लेकिन ये चीज़ याद रखिए यहाँ पर मुमाज जो बनाया गया है बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक।